ये है दिल्ली दर्पण। त्योहारों के सीजन में कई त्योहार देश भर में मनाए जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से लंबे अरसे के बाद लोगों ने मिलजुल कर दिवाली मनाई। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के मौके पर पुणे पूजा और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने शिरकत की। समिति के अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हमने संकल्प लिया है कि ऐसा बड़ा भंडारा हम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नरेश कुमार शर्मा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। गोवर्धन भगवान की पर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कीर्तन और विकास समिति की ओर से प्रोग्राम कर रहे हैं। जितने भी समिति के मेंबर हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना काल की वजह से इस प्रोग्राम में कई बीच बीच में दिक्कतें आई हैं, जिस वजह से हम प्रोग्राम को नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा आप क्या रही, वो कृपा इस दृष्टि पर बनी रही है, जिस वजह से कोरोना काल थोड़ा सा दूर चला गया है, बीमारी ये दूर चली गई है, लेकिन हमें सावधान रहने की अभी भी जरूरत है। अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना जरूरी है। हम यहाँ सैनिटाइजर और सब चीज़ों का छिड़काव करवा के अपने कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा है और आगे भी ये भव्य प्रोग्राम हम कराते रहेंगे। नमस्कार। इस मौके पर समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, उप कोषाध्यक्ष कृष्ण विहार विकास समिति। मैं आज गोवर्धन की शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसका कार्यक्रम का अनावरण हमारी पूरी समिति ने मिलकर किया गया है। और आज के दिन हमारे बड़े भाई मेरे पिता तुल्य मिशन नरेश शर्मा जी, किसान कृष्ण विहार विकास समिति अध्यक्ष, आज इनका जन्मदिन है। मैं इनको तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, जिस कार्य में आप आगे बढ़ रहे हो, भगवान आपको इतना इतना बल दे कि आप बिल्कुल आगे बढ़ जाए और जो आपकी सोच रहे हो वो सोच आपकी पूरी हो जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। कृष्ण विहार विकास समिति की कोशिश रहती है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में करते रहें और लोगों तक सामाजिक संदेश पहुंचा सकें। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर